Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ शेफाली एंड आज की वीडियो में हम लोग डेडलॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो इससे पहले हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन के बारे में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो. सो डेडलॉक टू वर्ड से मिलके बना है, डेड से एंड लॉक से. सो डेड का मतलब है जो चीज़ मर चुकी है, ठीक है, एंड लॉक का मतलब है ताला. ऐसा ताला जो मर चुका है यानी जो नहीं खोल सकता, अ लॉक विच इज डेड. डेडलॉक एक ऐसी स्टेट है जिसमें इनडेफिनेट वेटिंग चलती रहती है प्रोसेस और रिसोर्सेज के बीच. इनडेफिनेट वेटिंग का मतलब है कि ऐसी वेटिंग जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो और आपको पता है कि वो चीज इस टाइम पे आएगी, उसको बोलते हैं डेफिनेट वेटिंग. यानी वेटिंग का भी एक टाइम है कि ये वेटिंग इस वक्त खत्म हो जाएगी, ठीक है. एक होती है इनडेफिनेट वेटिंग कि आप करे ही जा रहे हो, वेट करे ही जा रहे हो, वेट करे ही जा रहे हो, वो खत्म ही नहीं हो रही है. उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक. और ये किसके बीच चलती रहती है, रिसोर्सेज के बीच एंड प्रोसेसेस के बीच. अब रिसोर्सेज और प्रोसेसेस के बीच कैसे चलती है, ताकि वो सिस्टम के रिसोर्सेज को सबसे पहले एक्सेस कर सके. यानी जो प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि अगर मुझे 10 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑफकोर्स प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. प्रिंटर के बिना मैं 10 डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करवा सकती हूँ. तो उसी तरह से हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर बहुत सारे प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्सेज की ज़रूरत भी पड़ सकती है. जैसे कि अगर मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं और 4 प्रोसेसेस का काम क्या है, उनको अपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है. तो ये काम है उन प्रोसेसेस का. अब चारों प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्स चाहिए, लेकिन एक टाइम में एक प्रोसेस ही एक रिसोर्स को एक्सेस कर सकती है. तो उनके बीच लड़ाई चलती रहती है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि कौन सबसे पहले उस रिसोर्स को एक्सेस करेगा. क्योंकि जिसने सबसे पहले उस रिसोर्स को एक्सेस कर लिया तो उसकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो डेडलॉक में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस होनी चाहिए, तभी डेडलॉक हो सकता है. डेडलॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है. लाइक रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ के डेडलॉक हो जाता है. यानी एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ से हम निकल ही नहीं पाते, हम चारों ओर से फंस जाते हैं. तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं ताकि हम डेडलॉक को इजीली और अच्छे से समझ सकें. मैं आपको सबसे पहले डेडलॉक क्लियर करना चाहती हूँ कि डेडलॉक है क्या और कैसे कैसे हो सकता है, तो ताकि आप जब आगे का लेक्चर देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो कि डेडलॉक का मतलब क्या है. सो जैसे कि हम लोग रोड्स पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है. सो बहुत सारे चांसेस है डेडलॉक होने के. सो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, हम इसकी मदद से समझेंगे कि किस तरह से डेडलॉक हो सकता है. सो आप देख रहे हैं कि चारों ओर से व्हीकल्स आ रहे हैं. लाइक यहाँ से गाड़ी आ रही है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी हुई है. अब यहाँ से गाड़ी आ रही है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है. और यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है. यानी चारों तरफ से गाड़ी आ रही है तो ये क्या होगी, डेडलॉक बन गया यहाँ पे. यानी कोई भी कहीं भी हिल भी नहीं पा रहा है. यानी इस साइड से जो गाड़ी आ रही है, ठीक है, उसको इस गाड़ी ने ब्लॉक कर दिया. अब इस साइड से जो गाड़ी आ रही है उसको इस गाड़ी ने ब्लॉक कर दिया. अब इस साइड से जो गाड़ी आ रही है उनको इस गाड़ी ने ब्लॉक कर दिया. इस साइड से जो गाड़ी आ रही है उनको इस गाड़ियों ने ब्लॉक कर दिया. लाइक कई बार होता है ना कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि गाड़ी इधर उधर से आ रही होती है और वो कई फंस जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है वहाँ से निकलने में. अब आप कहीं भी ट्रैफिक जाम देखोगे ना, आप बोलोगे कि यहाँ तो डेडलॉक हो गया. हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था. हम लोग ने जब डेडलॉक को पढ़ा था और समझा था, सो हमारे दिमाग में डेडलॉक ही आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया, सारे में डेडलॉक हो गया. अब ये तो होगी हमारी रियल लाइफ
जो हमने एग्जाम्पल लिया कि ऐसे ट्रैफिक जाम हो जाता है तो डेडलॉक आ जाता है, यानी कोई भी अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता, सारे एक दूसरे से ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक हुआ भी है, ब्लॉक बना हुआ है कि इस तरह से यहाँ पे डेडलॉक आ गया है। तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से डेडलॉक आ सकता है। सो हम इस छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि मैंने क्या किया है, बट जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, दो प्रोसेसेस हैं, P1 और P2, ठीक है। तो हम सर्कल में रखते हैं प्रोसेसेस को, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो मेरे पास दो रिसोर्सेज हैं, R1 एंड R2। तो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि R1 मेरा प्रिंटर रिसोर्स है, ठीक है, और R2 मेरा स्कैनर रिसोर्स है। आप कोई भी रिसोर्स मान सकते हो, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो यहाँ पे इस डॉट का मतलब क्या है, तो जो आप यहाँ पे एक डॉट देख रहे हैं, सो इसका मतलब है कि हमारे पास R1 एक रिसोर्स है, यानी प्रिंटर हमारे पास एक रिसोर्स है। इसके हमारे पास सिर्फ एक इंस्टांस है। एक इंस्टांस का मतलब क्या है कि अगर एक प्रोसेस इस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है तो वो इंस्टांस के थ्रू एक्सेस कर सकती है, यानी एक प्रोसेस को ही हमारा जो R1 रिसोर्स है वो एलोकेट होगा। अगर दूसरी प्रोसेस इसको एक्सेस करना चाहती है तो वो तभी कर सकती है जब इसको पुरानी प्रोसेस छोड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे दो डॉट्स लगाए हैं तो इसका क्या मतलब है, दो डॉट्स का मतलब है कि हमारे पास दो इंस्टांसेस हैं एक ही रिसोर्स के। अब एक प्रोसेस ने तो इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर दूसरी प्रोसेस चाहती है इस रिसोर्स को एक्सेस करना तो वो इजीली उसको एक्सेस कर सकती है। लेकिन अगर तीसरी प्रोसेस R1 रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी जब तक कि पिछली दो प्रोसेसेस उसको ना छोड़े। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो अभी हम लोग देखते हैं पहले, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने डेडलॉक सा बनाया है तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो चलिए समझते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं एंड दो ही हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो ये एक ग्राफ है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इस तरह से हमने बनाया है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको डेडलॉक बता देती हूँ कि यहाँ पे डेडलॉक कैसे होएगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो R1 रिसोर्स है वो P1 प्रोसेस को एलोकेटेड है, ठीक है। अब एलोकेटेड होने का क्या मतलब है, एलोकेटेड होने का मतलब है कि जो P1 प्रोसेस है उसको R1 रिसोर्स मिल चुका है, वो उसको अभी यूज कर रही है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर मेरा R1 रिसोर्स है, तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसने कि 10 डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है, और उसको अभी प्रिंटर मिल चुका है, यानी प्रिंटर खाली है और प्रिंटर उसको मिल चुका है और वो उस प्रिंटर को यूज कर रही है, यानी वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर रही है, ठीक है। तो हमारी एक प्रोसेस एलोकेटेड है, ठीक है, यानी R1 रिसोर्स हमारा P1 प्रोसेस को एलोकेटेड है। अब जो P1 रिसोर्स है वो किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो P1 रिसोर्स है उसने पहले 10 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर दिए, लेकिन उसका जो सेकंड कमांड है, ठीक है, वो है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्कैनर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही है। उसी तरह से हमारे पास P2 है, ठीक है। अब जो R2 रिसोर्स है वो P2 प्रोसेस को एलोकेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक P2 प्रोसेस है जिसको कमांड दी गई है कि उसे 10 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और उसको R2 रिसोर्स यानी कि स्कैनर मिल चुका है और वो अभी उस काम को कर रही है, यानी एलोकेटेड होने का मतलब है कि वो उस चीज को यूज कर रही है, उस रिसोर्स को यूज कर रही है। पर दूसरी तरफ वो क्या कर रही है, वो प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जब हमारा कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेटेड होता है तो इस तरह से होता है, यानी जो इसका एक इंस्टांस है
जब ये एरो आप बनाओगे तो वो अंदर तक जाएगा, ठीक है, मतलब जो ये बॉक्स है वो यहाँ पे अंदर तक जाएगा। लेकिन जब आप किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस सर्कल से उस स्क्वायर तक ही टच करोगे, आप यहाँ पे अंदर नहीं जाओगे। जैसे कि जो हमारा आर2 रिसोर्स है वो पी2 को एलोकेटेड है, तो वो यहाँ से गया यहाँ तक, ठीक है। ये तो चलो डायग्राम है, आप इसके बारे में मत सोचो। तो यहाँ पे डेडलॉक किस तरह से हो सकता है, हम ये एलोकेटेड है हमारा P1 को, एक रिसोर्स एलोकेटेड है हमारा P2 को। अब यहाँ पे डेडलॉक कैसे होगा, जैसे कि एक चीज होती है कि अगर एक रिसोर्स एक प्रोसेस के पास है, ठीक है, और दूसरी प्रोसेस उसको रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, जैसे कि R1 जो रिसोर्स है वो P1 प्रोसेस के पास है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, P2 जो प्रोसेस है वो R1 रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक हमारा P1 की पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, वो R1 को रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, या R1 दूसरी प्रोसेस को एलोकेट नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि P1 प्रोसेस को 10 डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो जब तक हमारी P1 प्रोसेस, ठीक है, अपने 10 डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं कर लेती, वो R1 जो रिसोर्स है यानी प्रिंटर जो हमारा रिसोर्स है वो उसको रिलीज नहीं करेगी, और जब तक वो उसको रिलीज नहीं करेगी कोई और प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है कि हमारे जो एक प्रोसेस है वो रिसोर्स को एलोकेटेड है, लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, दूसरी जो प्रोसेस है वो उसको रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि जो R2 रिसोर्स है वो P2 को एलोकेटेड है, लेकिन जो P2 प्रोसेस है वो किसको रिक्वेस्ट कर रही है, R1 रिसोर्स को वो रिक्वेस्ट कर रही है। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोनों प्रोसेस ही सस्पेंड हो जाएंगी, क्योंकि एक जो हमारा रिसोर्स है वो एक टाइम में एक ही को मिल सकता है, एक ही प्रोसेस को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने इंस्टांसेस हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक ही इंस्टांस है, तो एक टाइम में एक रिसोर्स सिर्फ एक ही प्रोसेस को मिलेगा, दूसरी प्रोसेस को उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डेडलॉक कंडीशन बन रही है कि दोनों प्रोसेस ही सस्पेंड हो जाएगी, किसी की भी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक हमारी एक प्रोसेस एक रिसोर्स को छोड़ नहीं देती, दूसरी प्रोसेस उसको एक्सेस नहीं कर सकती। सो इस तरह से हमारा डेडलॉक आ सकता है। ये तो बहुत ही बेसिक पढ़ा हम लोगों ने। ये थी हमारी डेडलॉक की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि डेडलॉक इस तरह से हो सकता है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेडलॉक की कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। एंड बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलें, नहीं तो मैं कोई भी वीडियो डालूंगी वो आप तक कैसे पहुंचेगी, इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।